नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइमलाइन पर अपने वीडियो और ऑडियो ट्रैक पर कैसे एडिट करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वीडियो और ऑडियो ट्रैक पर फिल्टर्स कैसे लगा सकते हैं। फिल्टर विंडो लाने के लिए टूल बार से या फिर व्यू ड्रॉप डाउन से फिल्टर साइन पर क्लिक करें। फिल्टर्स यूज करने के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमें जिस भी क्लिप पर फिल्टर लगाना है उसे टाइमलाइन पर सिलेक्ट करना है। क्लिप सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर विंडो में एक हरे रंग का प्लस साइन देखेंगे आप यहाँ पर। इस साइन पर क्लिक करने पर आपको एक ड्रॉप डाउन में तीन ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ स्टार वाले साइन के ऑप्शन में आपको ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले फिल्टर मिलेंगे। स्टार साइन के बगल में आप टीवी के स्क्रीन का एक साइन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट के सभी फिल्टर्स मिलेंगे। लास्ट में एक साइन है स्पीकर जैसा दिखने वाला, यहाँ पर आपको ऑडियो के लिए फिल्टर्स मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइमलाइन पर क्लिप की शुरुआत में फेड इन किस तरह से लगाते हैं। टाइमलाइन पर अपने मार्कर या प्लेहेड को क्लिप के स्टार्ट में रखें और फिल्टर विंडो में जाकर फेड इन वीडियो सिलेक्ट करें। अब अपने प्लेहेड या मार्कर को क्लिप के एंड में रखें और फेड आउट वीडियो का ऑप्शन सिलेक्ट करें। डिसॉल्व फिल्टर डालने का सबसे आसान तरीका है कि एक क्लिप को उठाकर दूसरी क्लिप के ऊपर रख दें, इससे फिल्टर अपने आप आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि वीडियो टाइटल किस तरह से ऐड करना है। टाइटल ऐड करने के लिए आपको एक ब्लैंक फोटो की जरूरत होगी। अब हम इस इमेज को शॉर्टकट में लेकर आएंगे। इस इमेज को टाइमलाइन पर यहाँ पर रखेंगे जहाँ हमें टाइटल चाहिए। अब हम फिल्टर में जाकर टेक्स्ट फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर ऐड करने के बाद काफी और ऑप्शन भी आ गए हैं। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट बदल सकते हैं और इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सबटाइटल्स के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। अगर आपको किसी क्लिप में टेक्स्ट नहीं चाहिए और सिर्फ थोड़ी सी क्लिप में टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड करें। टेक्स्ट ऐड करने के बाद जहाँ तक आपको टेक्स्ट चाहिए वहाँ पे जाकर अपने वीडियो को कट करना होगा। अब उस क्लिप को सिलेक्ट करिए जहाँ आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाकर यहाँ से इस फिल्टर को डिलीट कर दे। ये करने से आपकी जरूरत वाली क्लिप पर ही टेक्स्ट रहेगा, ना कि पूरी क्लिप पर। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक से अधिक ट्रैक पर कैसे एडिटिंग की जाती है। धन्यवाद।